ब्रिटेन पर 7 दशक तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और देखरेख में रहने की सलाह दी थी। इसके बाद अब शाही परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार दोपहर निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय स्कॉटलैंड के बालमोरल में थी, यहीं पर उनका निधन हुआ। अब शाही परिवार भी स्कॉटलैंड पहुंच गया है। उनके निधन पर शाही परिवार के ट्विटर से ट्वीट कर बताया गया कि महारानी का आज दोपहर बालमोरल में शांतिपूर्वक निधन हो गया। द किंग एंड द क्वीन कंसोर्ट आज शाम बालमोरल में रहेंगे और कल लंदन लौटेंगे। सबसे लंबे वक्त तक किया शासन। इससे पहले बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया था कि उनकी हालत नाजुक है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इसी के साथ पैलेस ने ये भी बताया था कि महारानी बालमोरल में है और उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स और पोते प्रिंस विलियम वहां के लिए रवाना हो गए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासिका थी। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को 17 ब्रूटन सेंट लंदन में हुआ था। उनकी शादी नौसेना अधिकारी फिलिप माउंटबेटन से हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रू और प्रिंस एडवर्ड। महारानी के पति फिलिप का अप्रैल 2021 में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती हैं। वह 70 साल शासन के शीर्ष पर रहीं। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और वह अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन की गवाह रहीं। उनके निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी चार्ल्स 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में उनके अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टरों द्वारा महारानी को चिकित्सकीय देखरेख में रखने के बाद चार्ल्स और महारानी के करीबी परिवार के सदस्य एबरडीन के पास बालमोरल पहुंचे थे। बता दें, इसी साल जून में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के 70 साल पूरे हुए थे। इस मौके पर 4 दिवसीय प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के 3रे दिन बकिंघम पैलेस के सामने एक विशेष संगीत कार्यक्रम में प्रिंस चार्ल्स और उनके बेटे प्रिंस विलियम ने महारानी को सम्मानित किया था। इस दौरान खुले में आयोजित पार्टी एट द पैलेस समारोह में करीब 22,000 लोग एकत्र हुए, जिनके सामने डायना रॉस, रॉक बैंड क्वीन, डुरान डुरान, एलिसिया कीज और अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी।